Yes. खुद से जूझ जा, खुद को बूझ जा, ठान ले, खुद को पीछे छोड़ के रहो आगे। महत्वाकांक्षाओं की दौड़ में साल दर साल, पीढ़ी दर पीढ़ी सबसे आगे रहने की सदी सन 1999 में मनाई गई। हिंदू कॉलेज के आंगन में बिखरा हुआ प्रकाश और अदम्य उत्साह मानो कह रहे थे, हर क्षेत्र में आगे रहना एक हिंदुवाइट की आदत ही नहीं स्वभाव है, और इसका गवाह है सदी पुराना हिंदू कॉलेज का इतिहास। उन घड़ियों में जब मिशनरी स्कूलों और कॉलेजों का बोलबाला था, 1 मई 1899 को पंडित मदन मोहन मालवीय ने कॉलेज का उद्घाटन किया। लाला राय बहादुर श्री कृष्णदास जी गुड़वाला द्वारा स्थापित हिंदू कॉलेज भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान नेशनलिस्ट एजुकेशन मूवमेंट की देन है। मात्र 4 शिक्षकों और 13 विद्यार्थियों से शुरू हुआ ये कॉलेज समाज के हर वर्ग के लिए खुला था और आज भी खुला है। अंग्रेजों के विरुद्ध जंग के रूप में शुरू हुए कॉलेज के इस नाम की सार्थकता इसी संदर्भ में सिद्ध होती है। तब से आज तक हिंदू कॉलेज ने पीछे मुड़कर नहीं देखा है, क्योंकि विद्रोह को दबाया जा सकता है, क्रांति को नहीं। आज इसने 21वीं सदी की क्रांति इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में नए मकाम हासिल किए हैं। इसकी मदद से हिंदू कॉलेज ने विजुअली चैलेंज्ड यानी नेत्रहीन छात्रों को इस लायक बनाया है कि अब वो कंप्यूटर और किताब दोनों का सहज उपयोग बिना किसी मदद के करते हैं। ये तो यूजीसी का अपना रूल होता है हैंडीकैप्स के लिए, ब्लाइंड बच्चों के लिए रिकॉर्डर्स और कैसेट्स अवेलेबल करते हैं, तो ये तो यूजीसी का रूल है। लेकिन हाँ, हिंदू में ये है कि हमें कैसेट्स की मात्रा ज़्यादा होती है और रिकॉर्डर्स जो है पूरे पूरे 3 साल के लिए या एमए लेवल के लिए भी पूरा 5 साल के लिए रिकॉर्डर्स देते हैं। द रीज़न फॉर आवर एग्जिस्टेंस इज टू ब्रिंग अप द स्टूडेंट्स एंड ऑल देयर एस्पेक्ट्स हैव टू बी लुक्ड आफ्टर, एकेडमिक्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, को करिकुलर एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स। द आइडिया इज दैट दे शुड लर्न टू थिंक फॉर देमसेल्व्स, एनालाइज फॉर देमसेल्व्स, दे शुड बी एबल टू कोप अप व्हेन दे गो आउट इन द आउटर वर्ल्ड, इन द लार्जर वर्ल्ड। And we place a lot of emphasis on students doing things for themselves. For example, all our societies, the basic organization is done by the students, although they are faculty advisors for each and every one of them. Also, Hindu College has a large student body. What I loved about this college, and still I do, is that all cross sections of society find a place in Hindu College. 1 लाख से ज्यादा और दुर्लभ किताबों वाली हिंदू कॉलेज लाइब्रेरी कॉलेज की इंटरैक्टिव वेबसाइट से जुड़ी हुई है, यानी ये आपको न सिर्फ उपलब्ध किताबों की सारी जानकारी देगा बल्कि अपनी हर गतिविधि के बारे में ईमेल अपडेट्स भी भेजता है। ये क्रांति सिर्फ विज्ञान व सूचना तकनीकी क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हिंदू कॉलेज के हर विभाग, हर अप्रोच में दिखाई देती है। सोलर पावर के जरिए अपने लिए कॉलेज ने अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स पैदा किया है। सोफिस्टिकेटेड वर्चुअल लेबोरेटरी और वोकेशनल ट्रेनिंग ऐसे माइलस्टोन्स हैं जो यहाँ के छात्रों की प्रतिभाओं व क्षमताओं का संपूर्ण विकास कर सकेंगे। हमारे गार्डन में हम लोगों ने 3-4 जगह पिट्स बना रखी हैं जहाँ पे हम वर्मी कल्चर करते हैं, और बायोलॉजिकल मैन्योर हम उससे बनाते हैं, जो कि फॉलन और ड्राइड लीव्स जितनी भी गिरती हैं उसको कलेक्ट कर लेते हैं और उसको वहाँ बैक्टीरियल डीके के लिए रहने देते हैं, और उसमें कुछ अर्थवॉर्म्स मिलाते हैं ताकि एक बायोलॉजिकल मैन्योर हम प्रिपेयर कर सकें। यू सी व्हाट अ वंडरफुल डे
on which I have to explain the rainwater harvesting project. These are the first monsoon showers that we are seeing, and the water, rainwater which has been collected on the terrace, it just comes through these pipes. It is collected in the channel here, and then it goes through this channel, it goes into the sedimentation chamber, and then into the two charging wells that you're seeing. These are covered, you cannot just see through, but these are the two charging wells where it is. This water is filtered, and all the suspended impurities are removed, and there is no bacteria because it is rainwater, and then this water is added to the water table underneath. हॉस्टल के ऊपर जो सोलर थर्मल प्लांट हमने लगाया है तो बच्चों को सर्दियों में जो हॉस्टल में जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनको गर्म पानी मिले. फिजिक्स लैब है, उसमें हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी रखे हैं जिसमें स्टूडेंट्स जो है सोलर पैनल सोलर सेल के ऊपर बेस्ड एक्सपेरिमेंट करते हैं. आधुनिक सुविधाएं, उच्च कोटि की शिक्षा प्रणाली और समर्पित शिक्षक सब मिलकर बनाते हैं इसे सबसे अलग और रखते हैं सबसे आगे. स्टूडेंट्स का पसंदीदा हैंगआउट कॉलेज कैफेटेरिया. एक तरफ जहां यूनिवर्सिटी का सबसे विशाल और सुसज्जित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है तो दूसरी तरफ हॉस्टल. I don't know about much about other hostels, but the intimacy among the seniors and the juniors, I would say respect towards seniors. Intimacy, you can say, a kind of friendship, kind of relationship. I have been a hosteler for most of my life myself, and I feel that student life is incomplete without hostel life. ये समझिए, ये hostel आपको एक राष्ट्रीय पनोरमा का परिचय देता है. इस hostel में कक्ष से कोणार्क तक और कन्याकुमारी से कश्मीर तक के विद्यार्थी हैं और सभी आपसी मेल भाव से रहते हैं. तो यहाँ पे जो सोशलाइजेशन का प्रोसेस है वो विद्यार्थियों को अपने रीजनल साउनिस्टिक प्रिजुडिसेस से निकलने में मदद करता है. छात्रों की आम जरूरत की तमाम सुविधाओं को एक जगह पर समेटे हुए स्टूडेंट सेंटर कॉम्प्लेक्स कॉलेज परंपरा की अगली कड़ी है, जिसमें बैंक, कॉमन रूम और सेमिनार हॉल से लेकर बुक एंड स्टेशनरी शॉप तक सभी एक ही जगह देखे जा सकते हैं. देश के बहुत क्षेत्र में हमारे कॉलेज ने नाम कमाया है. हमारे कॉलेज के जो विद्यार्थी हैं उन लोगों ने अच्छे अच्छे पोजीशंस होल्ड किए हैं. तो इसका प्रधान वजह तो ये है, मैं समझता हूँ, कि जो बड़े होने की आग्रह है वो कॉलेज ने जगाई है, और हमारे स्टाफ जो हैं और हमारे फैसिलिटीज़ जो कॉलेज ने दिया है उन सब को हम लोगों ने अवेल किया है, और उन सब के निर्देश के ऊपर हमारे जो टीचर्स रहे हैं, प्रिंसिपल्स रहे हैं, वो सब दे वर इंटरेस्टेड इन नेशन बिल्डिंग, दे गेव अस ऑल द राइट काइंड ऑफ आइडियाज़. और इसकी वजह है कॉलेज के प्लेसमेंट सेल द्वारा काउंसलिंग वर्कशॉप से लेकर रिक्रूटमेंट तक मजबूत की गई स्टूडेंट्स की नींव. इसकी ही देन है कि आज कई ब्लू चिप और मल्टीनेशनल कंपनियों की प्राथमिकता सूची में हिंदू कॉलेज का नाम ऊपर आता है, मतलब तथाकथित प्रोफेशनल संस्थानों के आगे हिंदू कॉलेज सीना तान कर खड़ा है. दिशा हमारे यहाँ एक काउंसलिंग और प्लेसमेंट सेल है जिसमें हम लड़कों को लड़कियों को अलग अलग जो फील्ड्स हैं उनके जॉब से ओरिएंटेड जो जिस तरफ वो जाना चाहते हैं उसके बारे में हम बताते हैं. प्रथम छः मास में हम उनको अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं और उन एक्सपर्ट्स से उनको हम वो बताते हैं कि वो किस फील्ड का चयन कर सकते हैं उनके इंटरेस्ट एरिया के अनुसार. उससे एक मोटिवेशन लेवल भी ऊपर हो जाता है लोगों का. दूसरा, उसके बाद हम एक डेटा सिस्टम बनाते हैं और उस डेटा के अनुसार, रुचियों के अनुसार, ज़रूरत के अनुसार फिर हम इन स्टूडेंट्स को अलग अलग कंपनियों में भेजते हैं, और ये सारी बड़ी कंपनियां होती हैं जो हमारे पास आती हैं. इस उपलब्धि के पीछे है एक ऐसी संस्कृति जहां टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ दोनों ही मिलकर देते हैं
छात्रों को सही मार्गदर्शन और देखभाल ताकि वो आसमां तक बढ़ सकें, अपने रास्ते गढ़ सकें। यहाँ स्टूडेंट्स और स्टाफ की संख्या का अनुपात ही नहीं, दोनों के बीच के संबंध भी इतने अच्छे हैं जो और कहीं देखने को नहीं मिलता। आज लगभग 40% से ज्यादा महिलाएं कॉलेज में कार्यरत हैं। ये समाज की बेहतरी और उस बेहतरी में हिंदू कॉलेज की जो भूमिका रही है उसका प्रतीक है। These are the three aspects, student, teacher and non-team. तीनों का कोऑपरेशन जरूरी है। Fortunately, हमारे यहाँ हिंदू कॉलेज के अंदर non-teaching का कोऑपरेशन बहुत अच्छा है। They treat like a own family in the college. किसी को किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। कॉलेज की बेहतरी के कुछ और प्रतीक हैं। बेमिसाल स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉलेज की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज तथा हर विभाग की सोसाइटीज, मसलन म्यूजिकल सोसाइटी, लिटरेरी सोसाइटी, ड्रामेटिक्स, कोरियोग्राफी, डिबेटिंग सोसाइटी, क्विज एंड फिल्म, ट्रेकिंग एंड माउंटेनियरिंग, सभी ने कॉलेज के बाहर यहाँ के छात्रों को अलग पहचान दिलाई है। ECA के थ्रू हमें कॉन्फिडेंस जगाने की कोशिश करते हैं बच्चे में। अब चाहे वो थिएटर हो, चाहे डिबेट हो, डांस हो, कॉन्फिडेंस इस नज़रिए से कि जब आप स्टेज पर आते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो आपके अंदर होनी चाहिए वो आत्मविश्वास होना चाहिए। अगर आत्मविश्वास की कमी है तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ी और मेहनत की ज़रूरत है। वो सही है कि सबके हाथ पांव एक बार कांपते हैं स्टेज पर आने से पहले, लेकिन उसके बाद ये एक ट्रेनिंग है कि आइंदा भी आप ज़िंदगी में किसी भी नज़रिए से आप अपने आप को देखें तो आपको खुद को एक आत्मविश्वास से भरा हुआ इंसान नज़र आना चाहिए। You just ask them if they are from the, they passed out of the college recently. Just ask them about the developments in the college because personally speaking, I would love to come back to the college. It's been a long while since I've been to the college and I would love to meet most of the people who were there at that time when I passed out. चांदनी चौक की तंग गलियों में किनारी बाजार स्थित एक छोटे से मकान से शुरुआत होने के बाद जल्दी ही कॉलेज को अजमेरी गेट स्थित कुंडे वाला इमारत में जाना पड़ा। अपर्याप्त सुविधाओं और संकटों की वजहों से प्रारंभिक वर्षों में ही पंजाब विश्वविद्यालय ने दो बार कॉलेज को बेदखल करने की धमकी दी। तब कॉलेज का स्थानांतरण कश्मीरी गेट में किया गया और फिर 1953 से कॉलेज वर्तमान इमारत में विराजमान है। ईंट और गारे से बनी इस इमारत में रहती है जिंदा दिली, सपनों में रंग भरने की आकांक्षाएं और कुछ कर दिखाने का जज्बा। कभी रंगमंच पर, कभी मंच पर, तो कभी जिंदगी के मैदान जंग पर। कॉलेज का सालाना कल्चरल फेस्टिवल मैका, जो कहता है हम सब में एक सा दिल रहता है। कॉलेज ने वर्ष 1916 में अपनी पत्रिका इंद्रप्रस्थ आरंभ की, जो सांस्कृतिक, ऐतिहासिक व वैचारिक धरोहरों की प्रतिनिधि आवाज है। आज भी ये समय परक लेखों से युवा वर्ग को दिशा निर्देश देने में कामयाब है। एक और चेतना है जो कॉलेज को बाकी संस्थानों से रखती है सबसे आगे, और वो है राजनीतिक चेतना, जो अभिव्यक्त होती है इन पंक्तियों में। एक जो है रोटी बेलता है, एक जो है रोटी सेकता है, एक और है जो न रोटी सेकता है न बेलता है, सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ, ये तीसरा कौन है? मेरे देश की संसद मौन है, पर एक और संसद है जो मौन नहीं, मुखर है, सवाल भी करती है, जवाब भी देती है। उस संसद का नाम है हिंदू कॉलेज संसद। अन्य कॉलेजों की स्टूडेंट्स यूनियन से हटकर इस कॉलेज में है स्टूडेंट्स पार्लियामेंट। पंडित नेहरू से लेकर जिन्ना और पटेल से लेकर जयप्रकाश नारायण तक सभी ने यहां से छात्रों का मार्गदर्शन किया है। हां, इससे स्टूडेंट्स को पता चल जाता है कि हमारा इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम वर्क कैसे करता है। सो इट्स अ काइंड ऑफ यू नो ट्रेनिंग ग्राउंड, डिस्कशंस होते हैं, बजट पास किया जाता है। बजट में अगर लीडर ऑफ अपोजिशन कन्विंस करा सकता है तो उस केस में चेंजेस भी होते हैं। वहाँ पे रोल है स्पीकर का, सो दैट द ऑर्डर एंड डिग्निटी ऑफ द हाउस इज मेंटेन्ड, और हर तरीके से उनको इस बात की ट्रेनिंग मिले कि पब्लिक अपीयरेंसेस में वो कैसे उनको डील करना चाहिए।
कहते हैं सही मार्गदर्शन और साथ हो तो हर समस्या हल हो जाती है। इसीलिए तो इस कॉलेज के एनएसएस व एनसीसी से जुड़े छात्रों ने राष्ट्रीय आपदाओं के समय दूर तक जाकर मुसीबत जदों का हाथ थामा है, चाहे उड़ीसा का भयानक तूफान हो या गुजरात का भूकंप। इस साहसी परंपरा का ही परिणाम है कि यहाँ के छात्रों ने सेना में भी विशिष्ट सम्मान प्राप्त किए हैं। गांधी जी की एक आवाज पर हिंदू कॉलेज ने स्वतंत्रता आंदोलन में न सिर्फ सक्रिय भूमिका निभाई बल्कि उस समय 800 रुपयों का योगदान दिया था जो आज के लाखों रुपयों के बराबर है। बने बनाए रास्ते पर चलना शायद यहाँ के छात्रों और शिक्षकों को मंजूर नहीं, इसीलिए उन्होंने हर क्षेत्र में अपनी अलग मिसाल कायम की है। उद्योग से डॉक्टर के बिरला हो या वीपी पुंज, कानून से जस्टिस वाई के सबरवाल हो या बीपी सिंह, सिनेमा से मनोज कुमार हो या गायक मुकेश, प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर कपिला वात्स्यायन या पत्रकारिता के दिग्गज श्री एच के दुआ, क्रिकेट के अनगिनत सितारे या फिर प्रशासनिक सेवा में देश के कर्णधार, हिंदू कॉलेज स्टूडेंट्स की सबसे आगे रहने की अपनी खास परंपरा है। नई पीढ़ी में विशाल भारद्वाज, अजय जडेजा, गौतम गंभीर और पीवीआर सिनेमा का दुनिया भर में परचम लहराने वाले अजय बिजली को किसी परिचय की जरूरत नहीं। एक ओर जहां दिल्ली के प्रथम क्रिकेट कप्तान प्रकाश भंडारी हैं, तो दूसरी तरफ हैं टेबल टेनिस में सबसे ज्यादा भारतीय रिकॉर्ड बनाने वाले मनजीत दुआ। नाबार्ड की परिकल्पना करने वाले हिंदू कॉलेज के प्रोफेसर एलसी जैन को मैग्सेसे अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। देश की सर्वोच्च परीक्षा यूपीएससी के टॉपर्स को आज भी हिंदू कॉलेज के दिन भुलाए नहीं भूलते। कॉलेज के प्रथम छात्र रहे सर श्रीराम उद्योग जगत में मील का पत्थर साबित हुए। कृष्णदास जी के बाद उन्होंने कॉलेज चेयरमैन का पद संभाला। उनके सुपुत्र डॉक्टर भरत राम लगभग 4 दशकों से इस जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे थे। कॉलेज के ओल्ड स्टूडेंट्स ने अपने जिम्मेदारियों को नाम दिया है ओएसए यानी ओल्ड स्टूडेंट्स एसोसिएशन। द ओल्ड स्टूडेंट्स एसोसिएशन हैज ऑलवेज बीन वेरी एक्टिव एंड इट इज विद देयर हेल्प दैट वी बिल्ट द वी रेनोवेटेड द स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एंड द कैंटीन अर्लियर दैट वी हैव एक्चुअली दे बिल्ट द न्यू कैंटीन बट इन द लास्ट फ्यू इयर्स Since Mr. Lalit Bhasin has come, it has become even more dynamic and it has tried to become inclusive. That has been the role of Old Students Association of Hindu College. We have tried to improve upon just not having social get-togethers, but also recognizing the distinguished alumni of Hindu College who have achieved name or fame in their respective activities. We want to